जय हिंद दोस्तों। 5 मार्च 2022 प्राथमिक शिक्षक भर्ती परीक्षा के एक प्रतियोगी हमारे साथ हैं। ये किसी कारणवश एग्ज़ाम नहीं दे पाए, तो हम जानना चाहेंगे कि क्यों, किस कारण से आपको बाहर किया गया? सर, मेरे पास जो आधार कार्ड है उसमें जन्म तारीख नहीं है, सन लिखा हुआ है। इस कारण से उन्होंने मेरे को परीक्षा से वंचित कर दिया। लेकिन मेरे पास में प्रूफ में 10वीं की मार्कशीट है जो बगैर फोटो युक्त है, और मतदाता परिचय भी है मेरे पास में, और 12वीं की मार्कशीट भी मेरे पास, मैंने वो भी उनको दिखाई, लेकिन उनने फिर भी किसी चीज़ को एक्सेप्ट नहीं किया। 10वीं की मार्कशीट इनकी इसलिए एक्सेप्ट नहीं की गई क्योंकि 10वीं की मार्कशीट में इनका फोटो नहीं है। तो जो भी प्रतियोगी भविष्य में जो परीक्षा देंगे, कल परसों या जब भी उनका पेपर है, तो आप अपना आधार कार्ड अपडेट करवा के आएँ। अगर आपका आधार कार्ड अपडेट नहीं है, तो केवल अगर उसमें सन या जन्म तारीख नहीं है, तो अपने आधार कार्ड को अपडेट करवाएं, उसमें आपकी जन्म तारीख भी होनी चाहिए। अब इनके लिए हम यही कहेंगे कि एक तो आवेदन आप भोपाल व्यापम में दीजिए, है ना, आप व्यापम में जाके आवेदन दीजिए, और जैसा भी न्यायोचित होगा व्यापम कार्रवाई करेगा, है ना। जय हिंद। जय हिंद। जो भी प्रतियोगी भविष्य में आना चाहते हैं, वे अपना आधार कार्ड अपडेट करवा के आएँ। अगर आधार कार्ड नहीं है, तो आपको पैन कार्ड जिसमें बर्थ डेट हो, पैन कार्ड होना चाहिए। पैन कार्ड के अलावा नहीं है तो वोटर आईडी कार्ड होना चाहिए। नाम और सरनेम सब एक जैसा होना चाहिए, इस बात का विशेष ध्यान रखें। तो विशेष ध्यान रखें ताकि आपको परीक्षा देने से वंचित नहीं किया जाए। तो आगे हम व्यू के साथ मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।